खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां निर्माणाधीन सीगर चैंबर में गिरने से एमआईसी के भांजे की मौत हो गई। ये घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर इलाके की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक अधूरी बैरिकेडिंग और धूप अंधेरे के चलते चैंबर में एक्टिवा गिरी। वही एक्टिवा सवार तीन युवकों में एक की मौत, एक की हालत अब तक गंभीर है। दरअसल तीन चार दिन से सड़क पर चैंबर बनाने का काम चल रहा था। वही स्थानीय पार्षद और एमआईसी सदस्य शकील मंसूरी ने आरोप लगाया है कि स्ट्रीट लाइट नहीं होने से ये दुर्घटना हुई है। साथ ही मौके पर मौजूद लोगों ने निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। ये तस्वीरें आप ग्वालियर से देख रहे हैं, जहां पर एक सीवर का निर्माण किया जा रहा था और इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि चैंबर में दो लोगों की गिरने से मौत हो गई है। निर्माणाधीन सीवर चैंबर में गिरने से एमआईसी के भांजे की मौत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त ग्वालियर से सामने आ रही है, जहां पर निगम प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये निर्माण कार्य लगातार कुछ समय से चल रहा था, और जिस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि वहां मौके पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी, जिस कारण ये बड़ी घटना हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि ये निर्माण सीवर चैंबर है, जहां पर एमआईसी के भांजे की गिरने से यह मौत हुई है। अधूरी बैरिकेडिंग और अंधेरे के चलते चैंबर में ये युवक गिरा, जिसके मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें कि निर्माणाधीन सीवर चैंबर है, जिसमें स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था आसपास नहीं देखी गई थी, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। साथ ही आपको बता दें कि जिसकी मौत हुई है वो एमआईसी का भांजा बताया जा रहा है। अब लगातार प्रशासन पर भी इसको लेकर गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। अधूरी बैरिकेडिंग और अंधेरे के चलते ये बड़ा हादसा हो गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये सीवर चैंबर का निर्माण चल रहा था, और इस दौरान यहां पर स्कूटी से एक युवक गिर गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ ग्वालियर से संवाददाता योगेश बिसारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई है, देखा जा रहा है कि सीवर चैंबर में गिरने से युवक की मौत हो गई है, ये पूरा मामला क्या है और क्या आरोप प्रशासन पर लग रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है, देखा जा सकता है कि सीवर चैंबर का निर्माण कार्य चल रहा था और इसके वजह से एक हादसा हो गया, ये पूरा मामला क्या है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, ये रात का समय था और इससे पहले भी ग्वालियर में एक हादसा चुका था, जिसमें एक पत्रकार की मौत हुई थी। लेकिन यह ग्वालियर की नगर निगम की व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि अंधेरा था, काफी अंधेरा था, और जो एमआईसी के जो भांजे हैं, जिनके जो मेंबर हैं, उनके भांजे हैं, वो तीन जने करीब आ रहे थे रात को, और क्योंकि लाइट नहीं थी तो उनको दिखा नहीं है स्ट्रीट का रहे थे, और वो अचानक गड्ढे में गिर गए, जिससे एक व्यक्ति काफी मौत हो गया और बाकी गंभीर रूप से घायल है। तो इस बात को लेकर ये जो मामला है, ये शकील मंसूर जो कि एमआईएसी सदस्य हैं, ये इनका भांजा है, ये इस बात को लेकर काफी यहाँ पर हंगामा हो रहा है, और हम अभी इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर और यहाँ सबसे मिलेंगे और पूछेंगे ये भी कि ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है, क्या कारण है, और नगर निगम क्यों इतना सुस्त है काम करने में। वही योगेश, इस तरीके से नगर निगम पर भी, प्रशासन पर भी गंभीर आरोप अब लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का मामला सामने आया है। क्या लगता है, क्या कुछ अहम एक्शन इसमें लिया जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर नगर निगम कमिश्नर, जो मैं आपको अपने खबर के बाद कई बार बता चुका हूँ, नगर निगम कमिश्नर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं यहाँ ग्वालियर की सड़कों पर, क्योंकि बरसात का सीजन इस समय, और इस ग्वालियर की रोडें और इतनी खराब है, सबसे ज्यादा परेशानियां हैं, हर भाग में परेशानियां हैं, लेकिन नगर निगम कमिश्नर कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं कि भाई आम जनता की समस्या क्या है, और इसीलिए दुर्घटनाएं लगातार घट रही हैं, और नगर निगम बिल्कुल सुस्त है, बिल्कुल कोई काम करने अधिकारियों से बात जाओ तो कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे, आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या योगेश बिसारिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ इस खबर पर साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताया कि ग्वालियर में ये बड़ा हादसा हो गया है, निर्माणाधीन सीवर चैंबर में गिरने से एमआईसी के भांजे की मौत की खबर सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, और लगातार नगर निगम पर, प्रशासन पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगते हुए भी नजर आ रहे हैं कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से, इस वजह से ये हादसा हुआ है, क्योंकि रात का समय था और रात के समय पर रोड पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से ये बड़ी घटना हो गई।